देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है आपकी, मोस्ट ऑर्डर्ड होगी, ठीक है। मोस्ट ऑर्डर देखो तीन टाइप की हैं, सिमेट्रिक, निमेटिक और कोलेस्टिक। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड कौन सी होगी आपकी, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में देखो क्या होगी, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल ऑर्डर्ड होंगे, ठीक है। कि कहीं पे भी आप खड़े होके देखो सबका चारों तरफ आपको कैसा दिखेगा, सिमिलर लुक दिखेगा। इसके अंदर दो कंडीशंस होती है, देखो आपके मॉलिक्यूल्स की जो लॉन्गर एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, लॉन्गर एक्सिस, ठीक है। आपने कोई एक प्लेन लिया ए ए डैश, तो जो आपके मॉलिक्यूल्स की जो लॉन्गर एक्सिस है वो क्या होंगी, हर मॉलिक्यूल्स के पैरेलल होंगी। देखो इसके इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होंगी। साथ में क्या होगी कि जो आपकी जो लॉन्गर एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के, एक केस तो ये हो सकता है, लेकिन क्या होंगी, सारी ऑर्डर्ड होगी। दूसरा, किसी एंगल पे भी इंक्लाइंड हो सकती है, जैसे कि ये देखो ऐसे, ये क्या हो गई, एंगल पे इंक्लाइंड, लेकिन है कैसी आपकी, बिल्कुल ऑर्डर्ड है, ठीक है। ये किसके इंक्लाइंड हो गई, जो आप प्लेन ले रहे हो उसके कुछ एंगल पे इनका, ये मान लो प्लेन है, तो अब क्या हो गई, इस ये देखो इसकी लॉन्गर एक्सिस है, यही है ना लॉन्गर एक्सिस, ये क्या हो गई, इसके साथ किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो गई। तो ये दोनों फिगर किसके, ये इसकी क्या है, लॉन्गर एक्सिस। तो ये कौन सा हो गया आपका, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, आ गया समझ में। तो सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होती हैं आपकी, मोस्ट ऑर्डर्ड होती हैं, ठीक है। और कैसी स्ट्रक्चर होती है, लेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेयर, मोस्ट ऑर्डर्ड लेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें वेयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो बताया वही लिखेंगे, वेयर मॉलिक्यूल्स अलाइन देमसेल्फ, अलाइन देमसेल्स, अपने आप को कैसे अलाइन कर रहे हैं, इन पैरेलल लेयर्स, पैरेलल लेयर्स स्लाइडिंग वन अनदर, स्लाइडिंग वन रिलेटिव टू अदर, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, फ्लूडिटी को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। फिर ये भी लिख सकते हो, इसमें क्या होगा, द लॉन्गर एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल, द लॉन्गर एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो लॉन्गर एक्सिस है, ये लॉन्गर एक्सिस इनकी भी, वो क्या होगी, आइदर परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इंक्लाइंड, इंक्लाइंड एट सम एंगल, या फिर क्या हो सकती है आपकी, इंक्लाइंड हो सकती है कुछ एंगल पे, ठीक है। तो ये आपकी कैसी है, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल या सिमेट्रिक मैजोफेज, हो गया सिमेट्रिक। दूसरा आता है आपका निमेटिक, दूसरा क्या आता है, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल या मैजोफेज, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक तो क्या थी, बिल्कुल ऑर्डर्ड, ये क्या होती है, थोड़ी सी डिसऑर्डर्ड होती है, ठीक है। जब आप देखो सिमेट्रिक बन जाता है, सिमेट्रिक को थोड़ा हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, निमेटिक में, ठीक है। तो निमेटिक में क्या होता है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स की जो एक्सिस होती है वो एक दूसरे के तो क्या रहेगी, पैरेलल, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे क्या था, बिल्कुल ऑर्डर था, यहाँ पे थोड़ा ऐसा डिसऑर्डरनेस आ जाता है। देखो मॉलिक्यूल्स की जो पोजिशन है ना वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, देखो कुछ ऐसे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की क्या हो गई, पोजीशन कुछ क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, देखो ये तो किसका था, सिमेट्रिक, ठीक है, ये क्या है आपकी, निमेटिक। देखो इसमें भी क्या है, जो लॉन्गर एक्सिस है हर मॉलिक्यूल की वो तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल ही है, ठीक है, लेकिन क्या हो गई, जो मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशंस हैं वो क्या हो गई, चेंज हो गई, थोड़ी सी इसमें क्या आ गई, डिसऑर्डरनेस आ गई, ठीक है। तो ये कैसे हो गए आपके, निमेटिक मेजोफेज। इसमें भी क्या है, सिमेटिक मेजोफेज की तरह मॉलिक्यूल्स की जो एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जो उनकी लोकेशंस है वो क्या हो गई, इनकी चेंज हो गई, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इसकी एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि ये कैसे होते हैं आपके, ओपैक होते हैं, ओपैक मतलब लाइट को क्या नहीं करते, ट्रांसफर नहीं कर पाते, लाइट को क्या नहीं करते, अलाउ नहीं करते, क्योंकि देखो पोजीशन क्या है, अलग अलग चेंज, जब आप लाइट को पास करवाते हो तो ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हो, क्या है, ओपैक है, ठीक है। इतना लिखोगे कि निमेटिक मेसोफेज क्या होती है, जिसमें ये भी एक सिमेट्रिक मेसोफेज की तरह होती है, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी लॉन्गर एक्सिस तो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन क्या हो जाती है, उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये कैसे हैं आपके, ओपैक हैं, ठीक है, ओपैक है, क्या नहीं करते, लाइट को ट्रांसमिट पास नहीं करते हैं, ठीक है, हो गया। ये क्या हो गया आपका, निमेटिक मेसोफेज।
सिमेट्रिक हो गया, न्यूमेट्रिक हो गया। एक और लास्ट वन आती है आपकी थर्ड, वो है आपकी कौन सी, कोलेस्ट्रिक मेसोफेज। ठीक है, जो आपकी थर्ड वन है वो क्या है आपकी, कोलेस्ट्रिक मेसोफेज। ठीक है, थर्ड वन कौन सी आई आपकी, कोलेस्ट्रिक। इसमें क्या होता है आपके मॉलिक्यूल्स किसकी फॉर्म में होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे यूं लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, कैसे होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये एक प्लेट बोलते हैं इसकी। ठीक है, ये आपकी एक प्लेट से, ये होता है इसका डायरेक्टर, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक प्लेट से दूसरे प्लेन में जाते हो तो इसका जो डायरेक्टर है वो क्या हो जाता है, कुछ एंगल से चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या होता जाता है, किसी एंगल से चेंज होता जाता है। ठीक है, ओके, इसकी जो शेप होती है वो कुछ हेलिकल होती है, हेलिक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रिक मेसोफेज में क्या होता है, आपकी स्ट्रक्चर ट्विस्ट होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्विस्टेड अबाउट हेलिकल एक्सिस, अबाउट हेलिकल एक्सिस। ठीक है, वन प्लेन से दूसरे प्लेन में जाने के लिए, अदर में जाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, इसके लिए डायरेक्टर, जिसको क्या क्या यूज़ करते हैं, सिंबल एल। ठीक है, जो क्या होता है, ट्रांस थ्रो एन एंगल, ट्रांस थ्रो एन एंगल क्या हो जाता है आपका, किसी एंगल से टर्न होता है। ठीक है, और जो इसका एंड है, किसका, इस डायरेक्टर का एंड, इट्स एंड, जो इसका एंड है वो किसको डिस्क्राइब करता है आपका, डिस्क्राइब ए हेलिक्स। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करता है एक हेलिक्स को। ठीक है, इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है ना आपके कोलेस्ट्रिक जो मेसोफेज है, इनमें क्या होता है कि कलर चेंज करते हैं, क्या करते हैं, ये कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं आपके, ये कलर को चेंज करते हैं, ये चीज लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्यों क्या करते हैं, देखो जैसे आप क्या कर रहे हो, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जा रहे हो। ठीक है, तो पिच क्या हो रही है इसकी, चेंज है ना। देखो ये जो इसका एक डार, ये जो एंड है, ये किसको डिस्क्राइब करता है, हेलिक्स को, विद पिच, हेलिक्स विद ए पिच। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी पिच यहाँ से यहाँ आए तो इसकी हेलिक्स पिच चेंज हुई, पिच चेंज हुई का मतलब क्या हो गया, आपने क्या किया, टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो पिच चेंज होते जा रही है तो इसकी वेवलेंथ चेंज होगी, टेम्परेचर के साथ क्या होती है, वेवलेंथ चेंज होगी। अब वेवलेंथ जब चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसका क्या होगा, कलर भी चेंज होगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रिक मेसोफेज के अंदर क्या होता है, आपकी कलर चेंज होती है। ठीक है, ठीक है, क्या लिखोगे, इन दिस फेज क्या होता है आपका, कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। ठीक है, कलर क्या होता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, हो गई यहाँ तक तीनों फेज, क्या किया, सिमेटिक सबसे ऑर्डर्ड, न्यूमेटिक उससे थोड़ी कम, और कोलेस्ट्रिक क्या होती है आपकी, लेयर्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, हो गया, न्यूमेटिक में क्या होता है, वो ओपेक होती है, कोलेस्ट्रोल में क्या होता है, ये मेनली कलर चेंज होती है, इसीलिए LCDs में ये यूज होती है। ठीक है, ओके, अब इसके इनके जो आपने लिक्विड क्रिस्टल पढ़े, इनके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज। तो पहले करते हैं एडवांटेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, एडवांटेज क्या है, सबसे पहला, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल क्या करते हैं, शो ए चेंज इन कलर, भाई ये जो आपने पढ़ा कोलेस्ट्रिक क्या करते हैं, चेंज इन कलर विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए इनको किस में यूज किया जाता है, थर्मामीटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर। लिखो, ड्यू टू चेंज इन कलर, क्या हो गया, ड्यू टू चेंज इन कलर यूज्ड एज थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर, लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर्स। ठीक है, हो गया पहला। दूसरा क्या है कि आपके क्या होते हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं, जैसे वॉच हो गई, क्लॉक हो गई, उनमें क्या यूज़ किए जाते हैं, LCD लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लिखोगे सम लिक्विड क्रिस्टल क्या चेंज कर देते हैं, कुछ एक आपके प्लेन को चेंज करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड, तो किस में यूज होते हैं, यूज्ड इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यूज्ड इन लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले, इनमें क्या होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है, हो गया। तीसरा क्या है, ये क्या करते हैं, कम पावर लेते हैं, ठीक है, कंज्यूम लेस पावर, क्या करते हैं, कम पावर को कंज्यूम करते हैं। तीसरा, चौथा क्या है, इजीली से बन जाते हैं, इजी टू मैन्युफैक्चर, टू मैन्युफैक्चर इन एनी साइज, किसी भी साइज में आप छोटे से छोटे साइज में क्या कर सकते हो, इनको बना सकते हो, ठीक है, हो गया। ये तो थी इनकी कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, क्योंकि एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी। डिसएडवांटेज क्या है, इनका लाइफ टाइम सॉल्ट है, लाइफ टाइम क्या है, बहुत ही सॉल्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है इनका जो आपकी है रेस्पॉन्स टाइम भी क्या होता है, सेकंड जो होता है ये आपके, हाँ, लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में ही काम करते हैं, लिमिटेड टेम्परेचर रेंज के लिए ही क्या होते हैं आपके, ऑपरेट हो पाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऑपरेट हो पाते हैं लिमिटेड टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, इनका जो रेस्पॉन्स टाइम है ना, वो क्या है, बहुत ही लार्ज है, काफ़ी लार्ज क्या है इनका, रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो ये कुछ क्या थी, इनकी एडवांटेज थी और कुछ डिसएडवांटेज, ठीक है। मेन आपको लिक्विड क्रिस्टल पता होना चाहिए क्या होते हैं, कितनी टाइप होती हैं, सिमेट्रिक, न्यूमेट्रिक और कोलेस्ट्रिक, कुछ एडवांटेज पता होने चाहिए और कुछ एक डिसएडवांटेज, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही काफ़ी है, ठीक है, ओके।